पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहाड़ी ब्लॉक जिला मिर्जापुर के पड़री थाना मुख्यालय और ज्ञानानंद कॉलेज पड़री में भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ के तहसील प्रभारी और योग शिक्षक योगाचार्य योगी राजेश आर्य के नेतृत्व में मनाया गया। सुबह 5:30 बजे से 6:30 तक थाना प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद साजिद सिद्दीकी और उप निरीक्षक मेराज खां व संतोष सिंह के साथ पूरे स्टाफ ने एक साथ योगाभ्यास किया तथा सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक ज्ञानानंद में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार सभी साधकों को योगाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गीतांजलि लाइफ केयर हॉस्पिटल के प्रबंधक एवं विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जयदीप सिंह और विद्यालय के युवा प्रबंधक अजय ओझा एवं प्रधानाचार्य विद्याभूषण दुबे के साथ साथ भाजपा किसान मोर्चा के संयोजक श्री लोकीनाथ दुबे, विश्व हिंदू परिषद के जिला महासहमंत्री संतोष प्रताप सिंह, विहिप के प्रखंड अध्यक्ष अमित ओझा, नमामि गंगे के प्रखंड अध्यक्ष संजय सिंह, आरआर पब्लिक स्कूल पुतरिया के प्रधानाचार्य दिनेश आर्य, अभय त्रिपाठी, आनंद दुबे, अर्जुन सिंह तथा सभी अध्यापकगण, छात्र एवं छात्राएं, क्षेत्रवासी इत्यादि लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर योग विद्या को आत्मसात किया और अपनी दिनचर्या में नियमित योग करने का संकल्प भी लिया। पढ़ी से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि बड़े से बड़े रोग का, यहाँ तक कि सबसे बड़ा रोग कैंसर को माना गया है, बड़े से बड़े रोग का भी निदान यदि नियमित और संयमित तरीके से प्राणायाम किया जाए, थोड़े औषधियों का सेवन कर लिया जाए, तो बड़े से बड़े कैंसर का भी निदान योग से संभव है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बशर्ते कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होना चाहिए। तो चलिए, आज का ये जो प्रोटोकॉल है, समय कम मिला है, वैसे जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हो, मैं सभी प्रभारियों से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि कम से कम 2 दिन पूर्व कुछ अभ्यास हो जाए। अभ्यास का माने होता है कुछ हम अपने खान पान में बदलाव कर सकें। आप जब प्राणायाम के लिए तैयार हो जाओ ना, तो वही श्रद्धा, अनन्य भाव आपके भीतर होना चाहिए, अनन्य श्रद्धा, तो प्राणायाम के लाभ मिलेंगे। यदि अनन्य श्रद्धा आपके भीतर नहीं है, तो प्राणायाम के लाभ नहीं है, दुखद लाभ है। तो चलिए, प्राणायाम में करेंगे कपाल भांति, जो प्रोटोकॉल के अनुसार है कपाल भांति प्राणायाम। तो कपाल भांति प्राणायाम के लिए पेट में धक्का देंगे, नाक से सांस बाहर फेंकेंगे। एक बार में यदि कान हमारा सुन ले और मन हमारा मान ले, तो फिर हमको बहुत ज्यादा दुनिया टहलने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हम दुनिया गढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, पेट में धक्का लगाएंगे, जब पेट में धक्का लगाएंगे तो उसी क्षण नाक से सांस बाहर फेंकेंगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। बड़े बड़े लोगों को ये विज्ञान समझ में नहीं आता कि फूंक मारने से क्या होता है। फूंक मारने से तेरा कायाकल्प हो जाता है, फूंक मारने से काया का क्या हो जाता है, कल्प, ये काया चेंज हो जाती है। ये कितना भी इसमें विषाक्त पदार्थ डाल दो, टॉक्सिन डाल दो, लेकिन प्राणायाम को यदि आत्मसात कर लिए, कंटिन्यूटी करने लगे, तो ये पूरा शरीर का विष निकल जाता है, फिर से शरीर नया युवा हो जाता है, जवान हो जाता है शरीर। तो कैसे करेंगे देखेंगे, धक्का देंगे, पेट में धक्का दिया, नाक से सांस बाहर किया, सांस लेने के लिए ध्यान नहीं लगाएंगे कि सांस लेना है, सांस लेना नहीं है, सांस स्वयं अंदर चला जाता है, स्वयं जो ही हम धक्का मारते हैं, धक्का के पीछे सांस खींच लेता है, ऐसे